हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के दूसरे टाइप के पिरामिड प्रिंटिंग के स्टाइल्स के बारे में। हमने पिछली क्लास में पिरामिड प्रिंटिंग के फर्स्ट स्टाइल के बारे में पढ़ा था, जो था कि हम कैसे ये नॉर्मल स्टार को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार प्रिंटिंग हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। और आज हम जो प्रिंट करने वाले हैं वो है कि इसी स्टार के पैटर्न को आप ठीक रिवर्स कर देंगे। मतलब अब आपको स्टार की प्रिंटिंग इस तरीके से करनी है, जो है यहां पे एक स्टार, इधर दो स्टार, इधर तीन स्टार, यहां चार और यहां पांच, अगर नंबर ऑफ रोज टोटल कितने दिए गए हैं, फाइव दिए गए हैं। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें इस तरीके के स्टार प्रिंटिंग को प्रिंट करना है तो थोड़ी सी चीजों को यहां समझना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में आपको जो नॉर्मल स्टार की प्रिंटिंग थी उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहां आए, क्योंकि यहां पे उसका एक स्टेप और आगे हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें क्रिटिकलिटी है, थोड़ी सी समझने वाली चीजें इसमें ज्यादा है, तो फोकस कीजिएगा कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा स्क्रीन जो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा वो यहां से करेगा। ठीक है, ये हमारे स्क्रीन का लेफ्ट कॉर्नर है। तो यहां पे देखिए, अगर हम यहां कोई चीज प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस और कितने स्पेस है, यहाँ पे चार स्पेसेस प्रिंट होंगे। वैसे यहाँ पे एक स्पेस, दो स्पेस और कितना स्पेस प्रिंट होगा, तीन, यहाँ एक और एक दो, और यहाँ कितने स्पेस प्रिंट होंगे, एक, और यहाँ पे एक भी नहीं। यानी कि स्पेस प्रिंटिंग भी अब हमारा एक काम बढ़ गया, यानी हमें स्पेस को क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये स्टार प्रिंट करना तो हम जानते हैं पिछले वाले प्रोग्राम में कि कैसे एक करेंगे, फिर दो करेंगे, फिर तीन करेंगे। लेकिन अब हमें बस इस प्रोग्राम में एड ऑन क्या करना है कि स्पेस के प्रिंटिंग को ऐड करना है। तो फर्स्ट लाइन में देखिए, स्टार एक है, ठीक है, और स्पेस कितना है, फोर है। सेकेंड लाइन में स्टार क्या है, दो है और स्पेस कितना है, तीन है। थर्ड लाइन में स्टार थ्री है और स्पेस कितना है, टू है। फोर्थ लाइन में फोर और वन, और फिफ्थ लाइन में फाइव स्टार्स है और स्पेस कितना है, जीरो है। इसी कंसेप्ट को हमें क्या कर देना है, इम्प्लीमेंट कर देना है। तो चलिए देखिए प्रोग्रामेटिकली इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको पिछला वाला प्रोग्राम याद है तो आप ध्यान देखिए, वो प्रोग्राम क्या कहता था कि हम आई को कितना पे सेट करते हैं, वन पे सेट करते हैं। ठीक है, लूप लगाते हैं वाइल, जब तक कि आई की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, फाइव के है, तब तक आप एंट्री करते थे, और एंट्री करते ही क्या करते थे, जे से प्रिंट करने का काम क्या कर देते थे, शुरू कर देते थे। लेकिन यहां पे प्रिंट करने से पहले स्पेस की भी प्रिंटिंग करनी है, वो कैसे करेंगे, तो देखिए, मान लीजिए स्पेस के लिए मैंने एक बी लिया और बी को कितना पे सेट किया, वन पे सेट किया। अब हमें यहाँ लूप लगाता हूं वाइल, जब तक कि बी की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू फाइव माइनस आई है। ओके, फाइव माइनस आई है, तब तक आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं किसको, डबल कोट शुरू कीजिए, कीबोर्ड से एक स्पेस दबाइए। देखिए, मैं स्पेस को यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस डैश से, ये स्पेस है, कॉमा, हम कहते हैं एंड इक्वल टू वॉट, सिंगल डबल कोट शुरू कीजिए और डबल कोट बंद कर दीजिए, यहाँ कोई स्पेस नहीं होगा। मतलब इसमें कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पे क्या है, एक स्पेस है। यानी कि हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्पेस प्रिंट कर रहे हैं और उसी लाइन में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, उसी लाइन में रहना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, इन इक्वल टू नथिंग। ठीक है, बी को क्या करेंगे, हम एक से इंक्रीज करेंगे। तो ये लूप जो है हमारा क्या करने वाला है, ब्लैंक स्पेसेस को प्रिंट करने वाला लूप है। इट विल प्रिंट व्हाट, ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो यही एक नया एड हुआ। ये लूप आपको पता है, ये लूप क्या कर रहा है हमारा, ये काउंटर लूप है। मतलब काउंट नंबर ऑफ रोज की, जितना नंबर ऑफ रोज कहेंगे उतना नंबर ऑफ रोज क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये लूप आपको पता है कि हम जे इक्वल टू वन करेंगे, फिर यहां क्या लिखेंगे, वाइल, जब तक कि जे इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, आई, तब तक हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसकी वैल्यू को, स्टार, सॉरी वैल्यू नहीं, स्टार को प्रिंट करेंगे, तो डबल कोट्स के अंदर स्टार देंगे और कॉमा एंड इक्वल टू क्या देंगे, डबल कोट्स स्टार, डबल कोट्स बंद, कुछ नहीं, वहां स्पेस नहीं है, और जे को क्या करेंगे, जे प्लस वन से, यानी एक से इंक्रीज करेंगे। जैसे इस लूप से बाहर निकलेंगे हम यहाँ क्या करेंगे, एक सिंपल प्रिंट का स्टेटमेंट डाल देंगे। क्यों, क्योंकि इस प्रिंट के स्टेटमेंट से एक नया लाइन आ जाएगा। ठीक है, और आई की वैल्यू को क्या कर देंगे, एक से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल लूप, यहां से लेके यहां तक का लूप जो है वो है पैरेंट लूप, और इसके अंदर दो चाइल्ड लूप है। पैरेंट लूप क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ रोज को, पहला लूप ब्लैंक स्पेसेस को प्रिंट करता है, और ये दूसरा लूप क्या प्रिंट करता है, स्टार्स को।
ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्टार प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, अब जरा इसका एग्जीक्यूशन समझ लें। प्रोग्राम तो काफी बड़ा लग रहा है, आपको लग रहा होगा बहुत, मतलब पता नहीं कितना बड़ा एग्जीक्यूशन होगा इसका, लेकिन फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं बार बार कि आपने पहले वाला वीडियो देखिए जिसमें हमने नॉर्मली स्टार प्रिंट किया, फिर इस पे आइए। मतलब कि मैंने जो सीरीज बनाई है ना उन्हें स्टेप बाय स्टेप भी बनाई है, तो अगर आप कुछ मिस कर देते हैं फिर डायरेक्टली आते हैं तो आपको लगेगा अरे समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए पहले वो वीडियो देखिए तब यहां आइए। चलिए फिर भी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए इसे कैसे कि एग्जैक्टली ड्राइविंग करता है, एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर के ब्रेन में, यानी कंप्यूटर का कंपाइलर कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आई कितना सेट करेगा, देखिए तो आई को सबसे पहले इसने कितना सेट कर दिया, वन पे। ये हमारा ड्राई रन का सेक्शन, दिस इज आवर व्हाट, ड्राई रन सेक्शन। ठीक है, I is less than equal to 5 है, देखिए I में कितना है 1, 1 is less than 5 है, बिल्कुल सही बात है। B को कितना पे सेट कर देता है, 1 पे सेट कर देता है। अब देखिए B is less than 5 minus I, अब आप 5 minus I को कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5 minus I मतलब कितना हो गया, 5 minus 1, I की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो 5 minus 1 4, B is less than equal to 4, तो यहां पे अगर हम यहां रख लें इसकी वैल्यू 4 रख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े, तो 1 is less than equal to 4 सही है, क्या प्रिंट कर दिया, स्पेस प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट वाले सेक्शन मान लीजिए ये है, इसने क्या प्रिंट कर दिया, एक स्पेस प्रिंट कर दिया। n इक्वल टू ब्लैंक का मतलब वहीं पे रहेगा, उसी लाइन में रहेगा, लाइन में शिफ्ट नहीं करेगा। b को बढ़ाया, b कितना हो गया 1 से 2 हो गया। अब ये ऊपर गया, 2 इज लेस देन 4 सही है, स्पेस प्रिंट किया। b को बढ़ाया कितना हो गया 3, फिर ऊपर गया 3 इज लेस देन 4, देखिए 3 इज लेस देन 4 सही है, स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर b को बढ़ाया, b कितना हो गया 4, फिर ऊपर गया 4 इज लेस देन 4, 4 इज इक्वल टू 4, हाँ अभी भी सही है, स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, और क्या कर दिया, फिर से इसने b को बढ़ाया, b कितना हो गया 5 है ना, फिर ये ऊपर गया 5 इज लेस देन 4, नहीं गलत, फॉल्स, ये लूप क्या हो गया, टर्मिनेट। अब आती है इसकी बारी, j को कितना पे सेट कर दिया, 1 पे सेट कर दिया। 1 इज लेस देन इक्वल टू i, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस ट्रू है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू, इसलिए ट्रू है। क्या प्रिंट कर दिया, स्टार, तो यहां पे क्या प्रिंट कर दिया, इसने स्टार प्रिंट कर दिया, और क्या कर दिया, j इक्वल टू j प्लस 1 2 हो गया। अब ये अपने लूप के पास वापस जाएगा, j इज लेस देन इक्वल टू i है, j की वैल्यू कितनी है 2, 2 इज लेस देन 1 है, फॉल्स, फॉल्स हुआ, ये लूप की बॉडी टर्मिनेट हुई। यहां आते ही एक नॉर्मल प्रिंट का फंक्शन है, ये हमने किस लिए किया था, ताकि कंट्रोल कहां जाए, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, और i को 1 से बढ़ा दिया, i कितना हो गया 2 हो गया। देखिए पहले लाइन में, पहले रो में 4 स्पेसेस और एक स्टार क्या कर लिया हमने, प्रिंट कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ही i इक्वल टू i प्लस 1 होगा, ये कहां जाएगा बताइए, ये जाएगा सबसे ऊपर वाली, यानी कि अपने पैरेंट लूप पे। i लेस देन 5 है, i की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 इज लेस देन 5 है, बिल्कुल सही बात है, जैसे ही सही है एंट्री किया, और b चाहे जितना भी था उसकी वैल्यू कितने से फिर से सेट कर दिया, b की वैल्यू को 1 से सेट कर दिया। ठीक है, अब क्या कहता है, b इज लेस देन y, जब तक कि b इज लेस देन 5 माइनस i, तो 5 की वैल्यू, 5 तो 5 ही है, i की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि अब हमारे पास जो 5 माइनस i की वैल्यू होगी वो 3 होगी। ठीक है, अब 1 है ना b, तो b इज लेस देन 3 यानी 1 इज लेस देन 3 सही है, क्या प्रिंट कर देगा, स्पेस प्रिंट कर देगा, सेम लाइन में रहना है, b को बढ़ाएगा। ठीक है, b 1 से कितना हो गया 2, 2 इज लेस देन 3 सही है, फिर से स्पेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर b को बढ़ाएगा, b कितना हो गया 3, 3 इज लेस देन 3 नहीं, 3 इज इक्वल टू 3 सही है, क्या कर देगा, अभी भी स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर b को बढ़ाएगा, b कितना हो गया 4, 4 इज लेस देन 3 फॉल्स, फॉल्स होने पे ये लूप क्या हो गया, टर्मिनेट। यहां आया, j की वैल्यू चाहे जो कुछ भी थी फिर से कितना सेट कर दिया इसने, 1 पे सेट कर दिया, तो j की वैल्यू कितनी हो गई, सेट हो गई कितने पे, 1 पे। ठीक है, यहां पे कहता है j इज लेस देन इक्वल टू i, j की वैल्यू कितनी है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है, स्टार प्रिंट करता है। ठीक है, और उसी लाइन में रिमेन करता है, और j को बढ़ाता है, जे बढ़ाया तो जे कितना हो गया 1 से 2 हो गया, फिर से ऊपर गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो अभी भी क्या करेगा, स्टार प्रिंट कर देगा, और n इक्वल टू क्या कर देगा, ब्लैंक, यानी उसी लाइन में रहेगी, और j इक्वल टू j प्लस 1 करेगा, j की वैल्यू कितनी होगी 2 से 3 हो गई, ये फिर ऊपर जाएगा, j इज लेस देन i, j की वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए 3, 3 इज लेस देन 2 गलत बात है, सही नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया है, लूप क्या होगा, यहां से यहां तक टर्मिनेट, इस लाइन पे जैसे ही आएगा, प्रिंट फंक्शन नॉर्मल है, मतलब हम कह रहे हैं कि अगले लाइन में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, तो अगले लाइन में कर्सर हमारा शिफ्ट हो गया, आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। आप देख रहे हैं पैटर्न वैसे ही बनते चला जा रहा है, तो क्या मैं एक बार और एग्जीक्यूट कर दूं, चलिए एक बार और एग्जीक्यूट करता हूं, उसके बाद आप शायद क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे ही फिर से ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब थोड़ा आप समझिएगा, थोड़े से अलग तरीके से समझाऊंगा, ठीक है,
थोड़ा सा फास्ट वे है। कैसे है देखिए, आई इज लेस देन फाइव, यहां देखिए आई की वैल्यू कितनी है, थ्री, थ्री इज लेस देन फाइव है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आते ही बी को कितने पे सेट कर दिया इसने, वन पे सेट कर दिया। अब देखिए बी कितने पे सेट हो गया, वन पे। अब कहता क्या है, एक से स्टार्ट करिए, बी इज लेस देन फाइव माइनस आई, तो फाइव तो फाइव ही है, आई की वैल्यू कितनी हो गई है थ्री, तो फाइव माइनस थ्री मतलब कितना हो गया टू। तो वन से लेके कहां तक जा रहे हैं हम, टू तक, कितनी बार होगा ये, दो बार होगा ना, क्योंकि एक से ही बढ़ रहा है, तो कितना स्पेस प्रिंट कर देगा, दो स्पेस प्रिंट कर देगा, क्लियर, और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वैसे ही जे को फिर से कितने से इनिशियलाइज कर रहे हैं, जे को वन से इनिशियलाइज किया, वन से इनिशियलाइज करने के बाद जे तो वन है, ठीक है, वन से इनिशियलाइज किया, अभी तो वन ही है, आई की वैल्यू कितनी है थ्री, तो मतलब वन से लेके कहां तक जा रहे हैं हम, थ्री तक जा रहे हैं, और कितने से बढ़ते हुए, एक से बढ़ते हुए, यानी वन टू और थ्री, कितने बार ये लूप चलेगा, तीन बार, और तीन बार क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रिंट प्रिंट फंक्शन से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा लूप, और आई इक्वल टू आई प्लस वन होगा तो ये कितना हो गया, फोर हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको, अगर आपने लूपिंग का सारा वीडियो देखा है मेरा तो। ठीक है, फिर ऐसे ऊपर के आई लेस देन फाइव है, आई की वैल्यू कितनी है फोर, लेस देन फाइव है, सही है। बी को फिर से वन पे सेट किया तो बी फिर से चाहे जो था वन हो गया, यानी वन ही है यहाँ पे, क्योंकि मैं अब तो आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, वन इज लेस देन कितना फाइव माइनस आई, तो फाइव माइनस आई कितना है फोर, तो वन इज लेस देन वन, हाँ ये सिर्फ एक बार के लिए सही होगा, तो एक बार के लिए सही होगा, तो एक स्पेस प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर जे को कितना से स्टार्ट किया, वन से, और आई तक जाएगा तो देखिए आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, फोर हो चुकी है, तो वन से लेके अगर आपको फोर तक जाना है, एक से बढ़ते हुए, तो कितनी बार जाएंगे आप, चार बार में जाएंगे ना, वन टू थ्री और फोर, तो चार बार में जब जाएंगे तो फोर टाइम्स ही क्या प्रिंट कर रहा है, स्टार, लीजिए फोर टाइम्स मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया स्टार। प्रिंट फंक्शन से नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, आई को टू आई प्लस वन होगा तो ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, यहां से ये फिर ऊपर जाएगा, फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव, हाँ लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू, लास्ट टाइम में चलेगा, बी को फिर से कितना सेट कर देगा वन। अब देखिए फाइव माइनस आई, तो फाइव माइनस फाइव, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगी फाइव, तो फाइव माइनस फाइव कितना हो गया जीरो, वन इज लेस देन जीरो, फॉल्स, जैसे ये फॉल्स है कुछ नहीं हुआ, स्पेस प्रिंट ही नहीं हुआ इस बार, जे को कितना सेट किया वन पे, और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, देखिए आई की वैल्यू हो चुकी है फाइव, तो वन से लेके फाइव तक जाएगा, कितनी बार, फाइव टाइम्स, बिना किसी स्पेस के क्या प्रिंट कर देगा, ये स्टार को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आप ठीक है, प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में आएगा, आई को जैसे ही फाइव से क्या करेगा, एक से बढ़ाएगा सिक्स होगा, ये ऊपर जाएगा, सिक्स इज लेस देन फाइव, नहीं, सारा टर्मिनेट, क्यों, क्योंकि पैरेंट लूप क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। फाइनली आपका ये क्या हो चुका है, पिरामिड प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये पिरामिड प्रिंटिंग में बिल्कुल यही कंसेप्ट है, सेम चीज, स्टार के बदले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर स्टार के बदले आप यहाँ पे क्या प्रिंट कर देते हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सारी चीजें वही होंगी, ये सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए आपका प्रोग्राम हो जाएगा ये, यहां हो जाएगा किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, जब हम प्रिंट कर रहे हैं किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू को। ठीक है, तो आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ टू टू हो जाएगा, यहाँ थ्री 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 हो जाएगा, यहाँ फोर 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 हो जाएगा, और यहाँ फाइव 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 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू को नहीं प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, जे की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, तो क्या होगा बताइए, गेस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और गेस कीजिए क्या होगा, बता चुका हूं ऑलरेडी, वन वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, और वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो ये सारे प्रोग्राम आपके लॉजिकल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।